प्रेस करने का तरीका, एक साइड से जो क्रीज आ रही है वो बीच से आ रही है और एक साइड से जो क्रीज आ रही है वो साइड से आ रही है। केस खत्म कर दिया पैंट का, केस खत्म। हाय गाइस, आज दिन की मेरी फर्स्ट रिकॉर्डिंग है, सुबह से कुछ समझ नहीं आ रहा। और वैसे आजकल हमारा रूटीन हो गया है कि लंच के बाद हमेशा एक, वैसे मैं चीट डाइट नहीं लेता बट निक बेकर्स में एक ब्रेड स्लाइस खाने जाता हूँ, बहुत ही टेस्टी स्लाइस होता है वो। कभी भी आप जब निक बेकर्स में जाएंगे तो एगलेस आलमंड स्लाइस आता है, एगलेस होता है, बड़ा ही मतलब उसको वार्म करके खाइएगा, बड़ा ही टेस्टी होता है। सेकेंडली, हमारी एजुकेशन सिस्टम चेंज हो चुका है, जो पहले 10+2 था वो 5+3+3+4 हो गया है। और मतलब फिज़िक्स वाला बंदा अगर उसको म्यूज़िक पढ़ना है तो म्यूज़िक ही पढ़ सकता है। तो एक्चुअली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो एक्चुअल में बहुत पुराना हो चुका था, उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत थी। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ नंबर्स पे, वो सिर्फ नंबर्स पे जोर दे रहा था, किसी की स्किल डेवलपमेंट, किसी की नॉलेज डेवलपमेंट पे नहीं ध्यान। बट जो ये अभी एजुकेशन पॉलिसी आई है इसकी अगर हम बात करें तो इस पर इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया है कि इंसान को खाली किताबी कीड़ा ना बना के उसकी स्किल, उसकी नॉलेज पर डेवलप किया जाए, जो कि आज से 20 साल बाद जो भी जनरेशन इस पॉलिसी में बढ़ेगी हमारे देश के लिए बड़ी बेनिफिशियल रहेगी। गाइस, मैं रुका हूँ द्वारका मोड़ पे कुछ खाने के लिए, बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, व्यूज़ तो मुझे मिल नहीं रहे, सब्सक्राइबर्स भी बहुत स्लोली बढ़ रहे हैं। माना फर्स्ट पहला महीना है, साल भर का टाइम लगता है, 2 साल का टाइम लगता है, बट मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि यूट्यूब के थ्रू अगर इसको एडवर्ट करके इसके व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स बढ़ाए जाए तो ये क्या काम करेगा। लॉजिकली तो लग रहा है करेगा, पैसे भी थोड़े बहुत लगाने पड़ेंगे। क्या हर कोई बड़ा यूट्यूबर ऐसे ही करता है? क्योंकि लोग बहुत दो दो तीन तीन साल में, ऐसे बात नहीं, लोगों की सालों की मेहनत भी रही है। कैरी मिनाटी के 10 साल हो गए, बट कैरी मिनाटी भी क्या अपनी वीडियोस को प्रमोट करता है? या दूसरे यूट्यूबर्स जो हैं भुवन बैम, इन्होंने भी कभी प्रमोट किया होगा? आई डोंट। गाइस, आज मुझे कोई ख़ास कंटेंट मिला नहीं है, बट बोरिंग डे सा हो गया है। एंड आपकी बोरियत को दूर करने के लिए इस व्लॉग में अभी मैं एक तड़का लगाता हूँ। तड़का आया पसंद या नहीं आया? आया ही होगा भाई, बहुत ज़बरदस्त तड़का था। गाइस, रात के 10 बज चुके हैं, नींद आ रही है मुझे बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अभी मैं सोऊंगा नहीं, इट्स वर्कआउट टाइम। ज़िंदगी में जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, थोड़ी सी नींद में कटौती करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन जो आप चाहते हो लाइफ में आपको ज़रूर मिलेगा। नींद आ रही है लेकिन वर्कआउट नहीं छोड़ना, दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करना है और बुढ़ापे में भी जवान रहना है, यह है मेरा अपने से वादा। बाय गाइज़।